कैसी तो हूँ, धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य, वो बात तुम कैसी हो, वो भी उलझी हुई। ये धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। बहुत बेटा, तुम तो बहुत जल्दबाजी में हो। कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है, किस सदी का हिस्सा है। बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या हाथ बता दूंगी, आग लगे तुम्हारे धीरे धीरे। धूप आया, उसने कहा आपको जल्दी बुलाया है, उसके सिवा कोई दूसरा शब्द ना निकाला। सामने देखे करो आगे। आपसे पूछता हूँ तो आप भी धीरे धीरे की हांक रही हो। बेटा तुम्हें तो खामोखा ही हट चढ़ गया है। मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे की महारानी। माता जी, अगर अब की बार ये शब्द मुंह से निकाला तो तत्काल मैं आपके सामने खुद को खत्म कर दूंगा। बेटा शौक कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सुधार गए हैं। पिताजी स्वर्ग से डर गए, मैं उनके अंतिम दर्शन भी ना कर सका। भाई लक्ष्मण जी, राम जी भाग्यवान हैं, जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण पाले। अच्छा ये पता रोग क्या था। तलवार पीछे रख लो, तलवारों से हो रहा है। रोग तो कुछ भी नहीं था, बस भाई राम भाई लक्ष्मण क्या के रोग सुधार गए। रोग तो कुछ भी नहीं था। ये क्या कहा भाई रामचंद्र, और लक्ष्मण जी भी यहाँ प्रस्तुत नहीं थे। वह तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्यागे। तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं किया। हाय हाय, ऐसा अनर्थ चार बेटों के होते हुए अंत समय एक भी पास ना हुआ। रामचंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो वन में जाने के लिए मजबूर हुए। बेटा असल बात तो ये है कि महाराज ने रामचंद्र को तिलक राज तिलक देने की तैयारी की थी। भला हो बेचारी मंथरा का, उसने मुझे सब हाल से सूचित कर दिया। मैंने उनको मजबूर किया, अर्थात रामचंद्र को 14 साल का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक का इकरार किया। भला बेटा तू भी स्वयं विचार कर कि मैं कैसे गवारा करती। रामचंद्र राज करे और मेरा बेटा दर बदर भटके। बैठ नीचे, कहाँ जा रहे।
कोई नहीं करने बैठ ली तेरे नाम का सभी भी अब देखते क्या है वो आगे।